सो गाइज विद इन 2-3 मिनट सारे 50 के 50 40-50 जितने रोल थे सारे बट गए एंड आई फेल्ट रियली गुड. हाय गाइज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग. सो जैसे कि आप लोग ने कल देखा होगा कि हम लोग ने कल प्रीवियस ऑर्डर्स रेस्टोरेंट में जाके खाए और फिर जो ऑर्डर्स हमको अच्छे लगे वो हमने डोनेट किए. सो फिर कल हम रात को आए, हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग ने 3-4 लोगों को डोनेट करके कोई डिफरेंस हम लोग नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी हम कुत्ता भी कर लें हम वो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो 4 लोग को हमने डोनेट किया उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं. सो फिर जब आज हमारी मेड तारा दीदी आई तो हम लोग ने फिर मिलके सोचा कि आज हम 50 रोल रैप या फ्रैंकी आप जो भी कहते हो वो हम प्रिपेयर करेंगे अपने हाथों से, और उनको जितने मतलब 40-50 जितने भी लोग होंगे उनको हम ढूंढ के उनको हम डोनेट करेंगे और उनको खिलवाएंगे. सो गाइज अभी हम लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं. सो तारा दीदी अभी आएंगी थोड़ी देर में, वो जो रैप का बेस है जो रोटियाँ हैं वो बनाएंगी. जो आटा है वो श्रेया ने पूरा प्रिपेयर करके रख दिया अभी फ्रिज में, और ये अभी हम लोग नूडल की फिलिंग बनाएंगे. सो गाइज दिस इज़ द डो जो पूरा हम लोग ने 50 रैप जो हम बनाएंगे उसके लिए प्रिपेयर कर दिया था. ये नूडल्स, तो इसके भी हम फिलिंग की तैयारी करेंगे स्टार्ट. सो गाइज डन विद द चॉपिंग. ये आप हाल देख रहे हो कैसा एकदम पसीना पसीना हो गए तुरंत. सो अभी मैंने ये कैबेज, ये अनियंस, कैरेट और ये कैप्सिकम, ये हम लोग ने सबको चॉप कर दिया. तो अब नूडल्स बनाते हैं. क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो यार ऑयल भी इस बार ज़्यादा लगेगा. तो गाइस अब मैं नूडल्स फाइनली डाल रहा हूँ. चिली सॉस, सोया सॉस विद नाचो ज्यादा. तुम अरे बहुत खतरनाक थे यार. शेजवान चटनी. सो गाइस अब एक ये मेरा स्पेशल पाउडर है जो मैं नूडल्स पे डालता हूँ. ये थोड़ा सा मंचूरियन पाउडर है, इससे आप भी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है. सो द फाइनल स्टेप मिक्सिंग, जो कि मुझे सबसे बेकार लगती है. मैं तो कर ही नहीं सकती, हाथ नहीं उंगली. कैसे जल गई थी? मैंने मैगी अपने हाथों में. तो अभी हम तारा दीदी का वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से आए, फिर हम फिलिंग रैप के अंदर करें, क्योंकि वो ही बेलेंगी. इतना मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इतने बड़े बड़े रैप्स बेल सकूँ, और ये आयुष पूरी मेहनत कर रहा है नूडल्स बनाने में. मैं तो इतना नहीं करती, मेरे को इतना खाना बनाना नहीं आता है, तो मैं बक बक ज़्यादा करती हूँ और मैं शूटिंग कर रही हूँ इसलिए. तो गाइस मैं नूडल्स टेस्ट करने वाली हूँ कि कैसे बने हैं. सो गाइज अब सेकेंड स्टेप, मैं फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा. तो फिलिंग में हम लोग अनियंस, धनिया की चटनी, मेयोनीज, नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज डालेंगे. सो
तो गाइस इसका एक एक बूंद लेंगे, एक भी बूंद वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमने अपनी मम्मी से सीखा है कि वो चाहे दूध हो चाहे ऑयल का पैकेट हो, उसको एंड लास्ट बूंद तक उसको ऐसे करती है। गाइस मेरे को ITC के फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है तो मैं यही लेता हूँ, तो मैंने ITC के फ्रेंच फ्राइज यूज कर रहा हूँ। ऑयल गर्म हो गया, आप तो गाइज अभी मेरे को याद आया, मैं श्रेया से बोल रहा था यार अपन इतने सारे रोल बनाएंगे तो, लेकिन इतने लोग अपने को मिलेंगे कहाँ। तो फिर मैंने अभी तारा दीदी को फ़ोन किया और एक दो लोगों से और पूछा, तो उनने बताया कि यहाँ महाड़ा के आसपास और इधर लोखंडवाला के बैक रोड के पीछे इधर उधर बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे थोड़े भूखे रहते हैं, या फिर अपन उनको दें तो उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अभी हम बस अभी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो रहे हैं और तारा दीदी आ जाए, फिर वो बेस की तैयारी होगी एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग द रोल्स। तो गाइस द फ्रेंच फ्राइज आर रेडी। सो गाइस फाइनली ये तारा दीदी आ गई हैं बहुत इंतजार के बाद। तारा दीदी आओ अपन फटाफट करें, ये उनकी छोटी बेटी है तो ये भी हमारे साथ चलेगी जब हम लोग बांटने जाएंगे। क्या नाम है आपका? त्रिशा। क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ। उस दिन मेरा हमेशा काम लेट होते हैं, आप लेट बुलाओ मेरा काम जल्दी हो जाता है, मेरा उल्टा हो जाता है। आप कभी भी मेरे को लेट बुला दो। ये देखो हम लोग ने पूरा ये फिलिंग में नूडल्स बना दिया और यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज बना दिए और फटाफट रोटी कर दो। तो अब तारा दीदी ने स्टार्ट कर दिया है रोटियाँ बेलना। This is the base, French fries, noodles, mayonnaise, and this is hari chutney. So guys, mayonnaise, green chutney, some onions. Some French fries, and roll it. So Shreya, how many rotis did you eat? So guys, अभी almost 25 से एक रोल तैयार हो चुके हैं और ये मैं थक गया बनाते बनाते, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा पकड़ा अभी, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। अभी अनियंस भी ख़त्म हो गई थी तो ये अनियन काट रही है और यहाँ तारा दीदी फटाफट रोटी बनाने में लगी हैं और श्रेया रोटी सेकने में लगी है। सो गाइज वी हैव फाइनली कम्प्लीटेड ऑल द रोल्स और ये सारे रोल्स बन गए हैं, ऑलमोस्ट 40 to 45 रोल्स हैं ये। तो गाइज अब ये लोग टेस्ट करेंगे। श्रेया टेस्ट करो, टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। कैसा लगा? एक्चुअल सही बताना। अच्छा गुड। अभी हम लोग जाएंगे सबको देने के लिए। सो गाइज वी विल जस्ट गो to distribute all these rolls. अब हम बस निकलेंगे 5 मिनट में। ये तो बढ़िया बिजी है खाने में। So guys अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से। इनके लिए सब्सक्राइब कर लो guys, इनकी मेहनत के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो। इनने बहुत सारी रोटियां बेली हैं। बहुत सारी, इनने बहुत सेक किया, हमने रोल बनाए, इनने प्याज काट दिया।
सो गाइज अभी हम सब लोग निकल रहे हैं, तारा दीदी लेके जा रही है, कहाँ पे उनको पता है सब, तो हम उनके साथ ही जा रहे हैं। सो गाइज ये जो नेक्स्ट सिग्नल है यहीं पे हैं वो बहुत सारे लोग। खाने के रोल्स हैं और भी लोगों को बुला लो, बच्चे घर पे हमारे तो जितने भी यहाँ पे और लोग हैं आप उन लोगों को। एक लड़की दे दो घर पे, दे दो बच्चों को, छोटे हैं मेरे तो बच्चे ना सुन तो जी भाई है आपसे मेरे को देंगे काई है सर आप एक और एक और एक दे दो भैया ये लो भैया। पूरा भरा हुआ है उसमें। बच्चा को दो बच्चा को दे दिया। बस एक 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 ये तो दिया। एक एक सबके लिए, सबके लिए अभी एक एक दे दो। नहीं एक का ही दे दो। भाई एक ही दे दो। नहीं आप अब कल पक्का अब नेक्स्ट टाइम ले लो ले लो ले गया। सो गाइज विद इन 2-3 मिनट सारे 50 के 50 40 50 जितने रोल थे सारे बट गए एंड आई फेल्ट रियली गुड। मतलब ये कंटेंट के लिए नहीं लेकिन ये मेरे को रियली सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई करना। Everyone is having and they're enjoying. कैसा लगा श्रेया? बहुत अच्छा यार, मतलब एक मिनट के अंदर सबके सब लेके चले गए, बहुत अच्छा लगा। मजा आया ना? बहुत बहुत। मतलब गाइज ये चीज मैं वेरी ऑफन करूंगा, मतलब आई विल ट्राई कि मैं जितना जितनी बार ये कर पाऊँ उतनी बार करूंगा। दो तीन लोग बोलते कि भाजी कहाँ है, भाजी मतलब मुंबई में सब्जी को भाजी बोलते हैं, तो उनको लगा मैं रोटी दे रहा हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं यार ये रोल है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। सो गाइज नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और ये जो बेल आइकन है प्लीज इसको दबा देना ताकि मेरे जो वीडियो जब भी आएंगे तो आप इसको आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में विद लॉट मोर न्यू कॉन्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। सो See you guys. Bye-bye.